नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय दफा। छोड़ो कल की बात, नहीं कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। गुरुवार को अंबाला कैंट में की पॉइंट पर कैंट के विधायक और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने ये गाना गाया। इंटरनेट मीडिया में अब ये खूब वायरल हो रहा है। इस गीत को लेकर अंबाला में राजनीतिक चर्चाएं जोर पकड़ गई हैं कि नई कहानी क्या हो सकती है। चर्चा ये भी है कि अनिल विज प्रदेश की नई सरकार में एक पायदान और ऊपर चढ़ सकते हैं, उनका कद बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में उनके समर्थक भी इंतजार कर रहे हैं, जबकि खुद अनिल विज अपने आप को पार्टी का अन्य भक्त कह चुके हैं। वहीं दूसरी ओर विज बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन टूटने से भी गुस्सा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित शीर्ष नेताओं से मिले। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विज हमारे सीनियर नेता है और उनका आशीर्वाद है। इसी बीच अंबाला लोकसभा सीट से प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थी बंटू कटारिया अनिल विज से भ्रष्टाचार भेंट करने पहुंची। विज की नाराजगी को दूर करने के लिए वरिष्ठ नेता अंबाला पहुंच सकते हैं। हालांकि फोन पर इनसे बातचीत भी खूब चल रही है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने के बाद दो दिन पहले ही प्रदेश को नायब सिंह के रूप में नया मुख्यमंत्री मिला है। साथ ही बता दें कि चंडीगढ़ में मीटिंग के दौरान विज सरकारी गाड़ी छोड़कर निजी गाड़ी से अंबाला लौट आए थे। अनिल विज के इस कदम का राजनीतिक जानकारों ने अपने तरीके से विश्लेषण भी शुरू कर दिया, लेकिन अनिल विज ने इस पर कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।